तो अब आप ये बताओ कि कब मैं बोल दूं? हाँ सस्पेंस आपका खत्म तो नहीं हो गया था? हाँ उसी उसके बाद एक बात करनी है ना, इसलिए कल 12 बजे आपकी बाइक की अनबॉक्सिंग होगी सुबह। हाँ भाई समझ रहे हो। और तू एक और चीज सवाल है, इस बार मेरा गियर फंस गया था भाई, इस बार सही में मेरा गियर फंस गया भाई, तो मेरे साथ हो रहा था। देखो आपने छाता देखा होगा, लेकिन अब बस आंखों पे धूप ना लगे तो इंसान को लगता है धूप नहीं हो रही है, तो बस ये छाता खोलो, छाता बंद कर दो। तो गाइस अभी बज रहा है रात का 1:30 और अभी हम लोग जिम आए थे, लेकिन 2 दिन से बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है, एनर्जी पूरी वापस आ चुकी है। जब से अपनी डाइट बढ़ी है, वापस अच्छे से डाइट लेना शुरू किया, तो एनर्जी भी काफ़ी आ चुकी है। बाकी भाई ये देखिए सब दिखाओ, तो अब ये सारी नसें और ये भाई साहब सही से दिखने लगा एकदम मस्त। वर्कआउट हो चुका है खत्म, अब चल रहे घर। तो गाइस अभी बज रहा है शाम का 4 और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, इतना कोशिश करने के बाद कि कहीं से गिम्बल अरेंज हो जाए, गिम्बल अरेंज हो रहा था तो गिम्बल को ऑपरेट करने वाला बंदा नहीं हो रहा था और इनको ऑपरेट करना आ नहीं रहा था, इनसे कुछ काम नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा बहुत सीखा इन्होंने, लेकिन गिम्बल के साथ इन्हें कम से कम मुझे लगता है 15-20 दिन खेलना पड़ेगा, तब जाके सीख पाएंगे प्रॉपर। तो देखते हैं इसी शॉट कैसे लेने वाले हैं। फिलहाल कई सारे फोटोग्राफर से भी हमने बात करी, तो यार मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड का शूट है, कोई 6000 बोल रहा है, कोई 8000 बोल रहा है, ऐसे ऐसे रेट बोले जा रहे हैं। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी अल्ट्रोज को नेक्सॉन से। स्पोर्ट मोड उधर लगा दिया क्योंकि आवाज यहां तक आई है। दिखाओ भाई उनकी गाड़ी क्या करने वाले हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी भर आएगी, इकोनॉमी भर आएगी भाई, इसमें तो स्पोर्ट मोड आई नहीं यार, गरीबों की गाड़ी। अब माय गॉड। हालांकि गाइस दोनों टाटा की गाड़ियां हैं, लेकिन हाँ देखते हैं कि नेक्सॉन कमाल कर पाती है कि अपनी अल्ट्रोज चीर फाड़ देती है। वो देखो उधर शिफ्ट हो गए लौंडे। सुनो इधर तो शूट कर ले रहा, इससे ले लेना। हाँ ठीक है, अबे इधर से ही करें कि आगे चले। अरे यही करो यार, भगाओ फेल के एकदम, देखते हैं कौन जीतती है। लेकिन निकल रही है भाई उसकी गाड़ी, क्या बात है। निकल रही है उसकी हल्की निक्सॉन, 3 सिलेंडर काफी सही भाग रहे हैं। ठीक भाग रही है, लेकिन तुमने स्टार्टिंग में थोड़ा वो किया ना, तो मैंने स्लो किया। चलो एक बार और कर लेते हैं, आप पुल क्रॉस करते हैं आगे। मैंने सोचा नहीं था वैसा निक्सॉन 3 सिलेंडर होने के बाद ऐसे भाग पाएगी भाई, पेट्रोल गाड़ी है, हैं? और फुल है, लेकिन लग रही है भाई भागने में। 6 गियर है इसमें, 5 गियर है, वो टर्बो है, ये बिना टर्बो है भाई। एकदम सारे चीट कोड लगा दो आज। स्पोर्ट मैंने एसी बंद कर दिया है और इसको बाहर फेंक दिया। कितने सीसी है? कितने सीसी है? कितने सीसी है? 1000 1200 यार, 1200। और कितने बीएचपी है? 150। इंसान को पहले दिमाग से ही हराओ बे, पहले ही थंडर जाए। 150 है तब तो जीत जाएगी। नहीं बे चले, चलो 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 चलो। गियर लगा लो। अबे गियर में ही नहीं थी गाड़ी। फंस
खराब आ गई है परफेक्ट शिफ्टिंग। माँ का चीना, इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा। अब वो कहेगा कि भाई शिफ्ट नहीं हो पाया मेरे से भी। जीत गए, जीत गए, फाइनली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भाई इस बार मेरा गियर फंस गया था भाई। इस बार सही में मेरा गियर फंस गया भाई, तो मेरे साथ हो रहा था। अच्छा एक बार और कर लेते हैं, सीधा मत कर लेते, इधर से दिख नहीं रहा आगे। अरे हो जाएगा, सीरीज हम जीत चुके हैं, 5 मैच की थी, 3 जीत गए, हम ऐसे कर रहे हैं। सारे मोड लगा लो भाई। अब आ चुका है विंड डीजल वापस, अब मैं समझ गया क्या बस बस मैं भी समझ गया। हाँ तो गाइज दो रेसेस अपन जीत चुके हैं, अब कहेगा एक और करते हैं। इस बार क्या हुआ, 2 मिलीमीटर से पीछे थे बस। अरे तुम एक बार और करो, मैटर खत्म करते हैं अब। अबे बहुत तेज आवाज, अब शिफ्ट हो जा रही है। अब नहीं, अब मेरा शिफ्ट फंस रहा था ना, अब नहीं फंस रहा है। टें, टें, टें। लेकिन अब पीछे रह जा रहा है यार ये। हाँ। चलो इधर गाइस दिखाओ, देखो गाइस मानना पड़ेगा निशान फास्ट है, मतलब उतनी स्लो नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन फिर भी फास्ट है। बट अल्ट्रोस निकल रही है, शिफ्टिंग अगर हम प्रॉपर करते हैं, हल्की भी शिफ्टिंग अगर मिस हुई तो भैया नेक्सॉन बाजी मार जाएगी। तो गाइस शूट करने के लिए हम लोग इंदिरा डैम पहुंच गए थे और हमें चाहिए थी एक स्प्लेंडर, तो हमारे एक भाई निकले और उन्होंने हमें पहचान लिया और इनके पास स्प्लेंडर भी थी, तो हमने कहा चलो एक शूट हो जाता है। भाई तुरंत रेडी हो गए, इनको लेट भी नहीं हो रहा था, तो हमने कहा चलो शूट हो जाएगा, वरना हमें गाड़ी अलग से लानी पड़ती शूट करने के लिए। तो देखते हैं अगर अच्छा शॉट आ जाएगा तो ठीक है, बाकी सिनेमैटिक के लिए भाई इंतजार करो कुछ दिन, क्योंकि बहुत तगड़ा सिनेमैटिक आने वाला है। तो गाइस फाइनली शूट हो गया है और देखते हैं इसको जब अटैच करेंगे तो कैसा आता है। बाकी थैंक यू भाई रुकने के लिए, चलो मिलेंगे फिर जल्दी। घर नहीं यार, एक शूट निपटाना है, वो निपटा लें जल्दी से, नहीं तो अंधेरा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है फिर कभी मिलते हैं। बाकी नाम क्या तुम्हारा? जतिन। चलो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना यार। तो गाइस शूट तो हमने निपटा लिया है, आधा शूट हो चुका है, बाकी का आधा जो है वो शोरूम पे होना है BMW के। तो ये जब पूरा वीडियो बनेगा उसके बाद आप देखना और बताना कि कैसा लगा। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि अभी 6:21 हो रहा है, 7 बजे तक BMW का शोरूम खुला रहता है, तो एक बार BMW के शोरूम चल के बात कर ही लेते हैं कि मीटर वगैरह मैनेज कर पाएंगे वो या नहीं कर पाएंगे, जैसा भी हमको क्लियर बता दें वो, तो उसी हिसाब से हम मैनेज करें। अगर ना कर पाए तो फिर कहीं और डिलीवरी लेते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है BMW के शोरूम पे डिलीवरी लेने का, फिर ऐसी जगह डिलीवरी लें जहां हम खुद ही परमिशन ले लेंगे जाके, भैया DM से परमिशन मैं खुद ले लूंगा अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो इतनी जेब में है, क्या बात कर रहे हो, जेब में है लेकिन उसको जेब से निकालना पड़ेगा बाहर, जेब में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जेब में फोन है भाई। ठीक है तो चलो देखते हैं, चलो BMW शोरूम ही चलते हैं पहले। भाई मैं शूट पे आया, भूख लगी, खिलाओगे नहीं मुझे कुछ? हाँ और हम अच्छी तो फुद्दू हैं। देखो आपने छाता देखा होगा, लेकिन अब बस आंखों पे धूप ना लगे तो इंसान को लगता है धूप नहीं हो रही है, तो बस ये छाता खोलो, छाता बंद कर दो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं BMW के शोरूम, अब देखते हैं, बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या सीन है, क्या माहौल है, कब आएगी हमारी बाइक और डिलीवरी कब होगी। खड़ी है क्या देखो अंदर? हाँ खड़ी खड़ी है। गाइस BMW शोरूम पे आ गए हैं अंदर, भैया गाड़ी हमारी दिख नहीं रही, अब पूछते हैं बाहर बिजी हैं किसी से बात करने में, अब्दुल्ला भाई जरा आ जाए तब बात करें। मुस्तफा भाई तो दिख नहीं रहे यार, कहाँ गए पता नहीं है। बाकी ये BMW कपड़े सोच रहा हूँ लेता जाऊँ 12 पर। भैया इधर दिखाओ जरा कितने का ये? 5,000 की है भाई, हमने सोचा 25-30,000 की तो होगी यार, सस्ता हो गया BMW, अब खरीदने में फायदा लग नहीं रहा है। So guys, हमें कॉफी पीने का मन था, हमें भाई बिहार चलते हैं, बिहार तो आएंगे भाई, अब तो बिहार ही तो आना है भाई, हमारा मीटअप का मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। हम देखें कौन बिहार में, समझ रहे हो, हमें मैनेजमेंट एकदम तगड़ा चाहिए, हालांकि पैसा नहीं देंगे मैनेज करने का, लेकिन मैनेजमेंट तगड़ा चाहिए और होटल में रुकने का पैसा नहीं देंगे, हम फ्री में आएंगे एकदम, पैसा मिल जाए तो और अच्छी बात है, और खाने पीने का तो चाहिए ही चाहिए, साथ में
और कुछ चाहिए तो बताओ। और कुछ नहीं तो और एक और चीज अरे दिखा दिया कैमरा और नहीं भाई देखो कुछ फूकने के लिए भी चाहिए भाई। अरे यार तुम मैं कंट्रोवर्सी ले लिए हमारे जरा ऑडियंस को थोड़ी गुड न्यूज दीजिए। हम और हम कैसे दें भाई ये तो आप बताएंगे। हम तो इंतजार कर ही रहे हम तो बता रहे हैं अब तो लोग मान भी नहीं रहे कह रहे भाई नहीं ले पाओगे तो देखो देखो यहाँ तो रिवील हो रहा है पर पहले वहाँ रिवील हो रहा है वहाँ पे लाइव रिवील हो रहा है तो वही कह रहे हैं हमारी ऑडियंस अब हमारी नहीं मान रही कह रही आप नहीं ले पाओगे चार महीने तो सुन रहे हैं। आप अपने ऑडियंस को एक अच्छा सा सरप्राइज दीजिए आप उनसे कहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आपकी जो गाड़ी है वो अक्रॉस यूपी पहली गाड़ी होगी। तो अब आप ये बताओ कि कब मैं बोल दूं हाँ सस्पेंस आपका खत्म तो नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ उसी उसके बाद एक बात करनी है ना इसलिए कल 12 बजे आपकी बाइक की अनबॉक्सिंग होगी सुबह। गाइस समझ रहे हो और एक और चीज सवाल है किस बाइक की अनबॉक्सिंग हुई है लेकिन एक चीज देखिए मैनेज करनी है आपको। अब ये बताइए मुझे करना है मीटअप ठीक है पुलिस परमिशन वगैरह सब चाहिए होगी उसके लिए भाई क्योंकि क्राउड तो लगेगा ही लगेगा तो वो आपको मैनेज करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं शोरूम मैनेज करता है और ये यहाँ तो मीटअप हो ही नहीं सकता आपका सामने कैप्टन साहब का घर यहाँ तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना कैप्टन साहब के घर पे आपको परमिशन नहीं मिल पाएगी। यहाँ सामने उत्तराधिकारी है पुलिस का वो आपको ड्रोन और कैमरा ड्रोन हमें नहीं यूज करना है हमें सिर्फ क्राउड का वो चाहिए और क्राउड भी वो यहाँ पे नहीं जब यहाँ स्कूल के लिए ऑब्जेक्शन लग गया है सैन फ्रांसिस इतना बड़ा स्कूल है जिसमें तो कैसे मैनेज होगा डिलीवरी पे आप डिलीवरी पे अपने जो खुद खास के जो आपके पैनल के जो है भाई 8-10 लोग हैं आप उनको लेकर आइए यहाँ से डिलीवरी लीजिए फिर बताइए आप कहाँ मीटअप करना चाहते हैं हम उसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए आप गाड़ी ले रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ा दिन है हम आपको गाड़ी दे रहे हैं हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप हज़रतगंज में वो तो है इसीलिए तो पूछ रहा था और सामने जो है वो कैप्टन साहब का घर हम एक बार तो यहाँ पे दिक्कत है हम आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे हम किसी को पर्सनली जानते हैं हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी होनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज लगेंगी आपकी तरफ से क्या चाहिए होगा। फॉर्मेलिटीज ये होती है कि DM से परमिशन लेनी पड़ती है या फिर इस यहाँ के थाने का जो SO हो उसको एक नोवो देना पड़ता है कि हाँ ऐसी कोई एक्टिविटी होने वाली है क्राउड हो सकता है तो उसके लिए एक काम करिए आप अपनी डिलीवरी जो लीजिए वो संडे को लीजिए क्योंकि संडे को ये एरिया खाली रहेगा। संडे को हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना और फिर हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि क्या प्रोसेस होगा आप उसमें प्रोसीड करिए हमारी तरफ से अगर कुछ लगना होगा कोई लेटर लगना होगा वो मैं दे दूँगा हम 100% आपके सपोर्ट में मतलब मैम सारा वो मुझे ही करना है। हाँ सो गाइस फाइनली हम बैठे हैं BMW के शोरूम में कॉफ़ी इंजॉय करते हुए क्योंकि कॉफ़ी अगर पीनी है तो आप चले आओ BMW के शोरूम मस्त सी कॉफ़ी आपको मिल जाएगी टनटनाते हुए और एकदम रेस्टोरेंट वाला फील भी आ जाएगा कोई ज़्यादा क्राउड भी नहीं है जब तक बाइक नहीं आ रही तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन कल हमारा इंतज़ार खत्म होने वाला है कल अनबॉक्सिंग होने वाली बाइक की ये व्लॉग आप बाद में देख रहे होगे फिलहाल जिस दिन मैं डिलीवरी लूँगा उस दिन सारी डिटेल मैं अपडेट कर दूँगा उससे पहले मुझे कुछ शूट्स निपटाने वो निपटा लेते हैं उसके बाद डिलीवरी लेंगे जहाँ इतने दिन सफर कर लिया वहाँ एक दो दिन और सही यार शूट्स कंप्लीट करने के बाद ही डिलीवरी लेंगे और मीटअप करना है तो उसके लिए भाई देखना पड़ेगा लोकेशन ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को परमिशन लेनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं कंफर्म करने के बाद आपको अपडेट करता हूँ फिलहाल कॉफ़ी इंजॉय करते हैं मस्त एकदम। तो गाइस फाइनली बहुत 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 ज़्यादा सदी कितने वो बीत गए भाई सदियाँ मतलब सेंचुरीज चली गई क्रॉस हो गई कितनी सारी उसके बाद जाके हमें बाइक की डिलीवरी मिलने वाली है फाइनली कल लखनऊ में अपनी बाइक होगी और कल अनबॉक्सिंग करेंगे हम अपनी बाइक की भाई S1000RR की वन मतलब 15 तारीख से पहले खैर डिलीवरी दे रहे हैं ये लोग लेकिन अब हम 15 तारीख के बाद भी डिलीवरी ले सकते हैं क्योंकि बाइक आ चुकी है तो थोड़ी तसल्ली है कि हाँ बाइक खड़ी है देखते हैं जैसा प्लान बनता है वैसे ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव है यहाँ बहुत हायर ऑफिशियल रहते हैं बहुत ज़्यादा कमिश्नर IAS सब लोग अगली बगल रहते हैं ज्वेलर्स की शॉप बहुत सारी हैं और बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने बताई हमें तो देखते हैं यार कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है मीटअप प्रॉपर तो यहाँ से मैं डिलीवरी ले लूँगा उसके बाद कहीं अच्छी जगह मैनेज करूँगा वहाँ आप लोगों के साथ में कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से डिलीवरी शूट की जाए
सो आई विल ट्राई, जैसा होगा मैं अपडेट दे दूंगा। बहरहाल बहुत ज्यादा लोग हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे कि हम स्टोरी डाल दें मीटअप के लिए कि हाँ भाई इतने लोग आ जाओ। मैक्स टू मैक्स यार अगर 100 लोग भी आ जा रहे हो तो उतना तक मैनेजेबल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो एरिया क्राउडेड हो जाएगा और फिर जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के आईएएस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करूंगा, सर से पूछूंगा कि अगर वो एक दो घंटे का टाइम हमें दे पाए, हम मैनेज कर पाए, तो प्लीज मैनेज करने की कोशिश करें। भाई लखनऊ का नाम रोशन करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा फिलहाल, तो मैं कोशिश करूंगा। अगर परमिशन मिल जाती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वेल एंड गुड है। नहीं तो मैं कहीं और अरेंज करूंगा, किसी सेफ जगह अरेंज करूंगा, मैनेज करूंगा। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं हमारे आसपास, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अंदर आराम से कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा होगा मैं अपडेट दूंगा। फिलहाल भूख बहुत तेज लगी, कॉफी तो हमने फ्री की पी ली, बीएमडब्ल्यू की इसने भी पी ली है, ठीक है। तो आया इसीलिए था पीने, कॉफी पीनी थी मुझे। अब जा रहे हम घर, रास्ते में कुछ खाएंगे भाई, मोमो कॉर्नर पे। चलो डोसा कावासाकी में खिला दो, चलो कावासाकी कावासाकी अभी खुला नहीं लग रहा है, खुल रहा है भाई। डोसा खिला दो कावासाकी, लग रहा है कावासाकी खुल रहा है। हां पता है, बोल रहा था मेरी बात, लेकिन डोसा नहीं दे रहा अभी, वो बनाएंगे पाव भाजी बना रहे हैं, खाली गाड़ी तो देखिए खाली पाव भाजी बना रहे हैं। क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले, कुछ बोला कुछ बोला, ये गूंगा बोला, गूंगा बोला, बोल रहा है कि गाड़ी तो पहले बिके, कह रहा हूँ गाड़ी तो बिकेगी नहीं, डोसा ही बनाएंगे और क्या। नहीं 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 सही कह रहे हो, एक गाड़ी बिक जाएगी जो मैं लूंगा, फिर से लेट होगा उसमें भी। चलो चल के कुछ खाते हैं फिर चलेंगे घर। फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली बीएमडब्ल्यू आ रही है। मामाज लिटिल मैन मैन, लेकिन गलत लिखा है भाई है। हाँ हाँ आज रो तो नहीं रही थी ये, चले ओ बिट्टू बिट्टू, ये लेटे लेटे खुश कैसे हैं आज। ओ चलो चले गुम्मी करने, खिलाए लागो हाँ? हाँ। और बिटिया चाचू आए हैं। हाँ चाचू, हाँ देखो नहीं चाचू आए तुम्हारे, नहीं हाँ चाचू कहा लायो, हाँ काफी लायो कि नहीं बताओ बताओ। अरे ठीक है बताओ मुन्नी।